हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सैयद रफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद रफ़ीक। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो जो नए हैं जल्द से जल्द लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में अपना और अपने शहर का नाम लिखकर बताइए कि आप। एक ये पाउडर भी आ चुका है वारंटी का। चार टन सर खबर पड़े पाउडर भी उतर चुका है, जो ऊपर भी आ चुका है गाड़ी का, और 3 टन आया है। इंशाल्लाह कल से या तो परसों से पत्थर का काम शुरू हो जाएगा, पत्थर बिछाने का। तो दोस्तों ये आवाज़ें देख रहे हैं आप, कितने शोरगुल है। पत्थर आखिर अनलोड हो चुका है। ये देखिए लारी में से कैसे उतार रहे पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है। देखिए सिर्फ 4 आदमी उतार रहे। ये देखिए कितना माशाल्लाह, कितना बड़ा पत्थर है ये। इस पत्थर को ले जाके स्मूथली, ये देखिए आराम से आराम से आराम से आराम से ये रख दिए एक साइड, ये दूसरी साइड में रख दिए है। अब ये थोड़ा सामने सरका दो, टेका लगा दो पिलर को, हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे कटिंग का काम शुरू हो चुका। ये देखिए वहाँ पे अनलोडिंग हुआ हुआ है, यहाँ पे कटिंग का काम शुरू होगा। कितनी स्मूथली कटिंग हो जा रहा है देखिए पत्थर। ये साइज के हिसाब से जो इतना बड़ा पत्थर उतार के लेके ना, उतना बड़ा ऊपर नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए हिसाब से कटिंग कर ले रहे हैं लोग यहाँ पे। अब कटिंग कर लेके इसके जो हाल है, हाल का मेजरमेंट लेके हाल में 12 टुकड़े बैठेंगे उसके।
खांसी अभी कम नहीं हुई, मेरा बुखार अभी कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। वहाँ पर शोरगुल बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसकी आवाज़ में बता रहा हूँ मैं कितनी आवाज़ है। देखिए फिर भी आ रही है आप लोग को। ये दूसरा पत्थर भी कटिंग हो गया, ये देखिए यहाँ पर पूरे 12 पत्थर कटिंग हो गए हाल के। ये देखिए इतने बड़े बड़े 12 पत्थर बैठेंगे, और ये जो है दीवार से 1 फीट आगे रहेंगे ये वाइट, और रूमों के अंदर 3 रूमों में भी पूरा यही पत्थर रहेगा। ये हल्का है, देखिए हल्का और दीवार खाने का। और जो ये पीछे पत्थर है, मेरा हाथ लगा के मैं स्मूथिंग देख रहा हूँ, ये स्मूथिंग है, रफली है ये। ये वॉशिंग एरिया में आएगा पत्थर, वॉशिंग एरिया में, ताकि पानी रहता स्लिप ना हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड। खुदा हाफिज़।